आपका assertion है एंड रीजन का क्वेश्चन क्या है, देखो assertion ए, इन ट्रायंगल एबीसी एबी इज इक्वल टू एसी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 50 देन एंगल सी इज इक्वल टू 50, ही हैज टोल्ड लाइक दैट। और रीजन क्या दिया है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। फिर इसने दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो कैसा दिया है देखो, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सेकेंड, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सी ऑप्शन, ए इज द ट्रू, ए assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डी, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो फर्स्ट वी हैव टू सी आवर रीजन। तो रीजन में क्या दिया है देखो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, दैट मींस आपके दो इक्वल साइड्स हैं, दिस एंड दिस, दे हैव, है ना, तो इसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका अपोजिट एंगल इज दिस एंड इसका अपोजिट एंगल इज दिस, दैट मींस आपका क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज ट्रू। तो ये ट्रू है, तो आपका रीजन इज ट्रू। अब हम देखते हैं assertion। तो assertion में क्या दिया हुआ है इसने, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल बी इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज 50 डिग्री, तो आपका एंगल सी कितना होगा, देन एंगल सी इज 50, तो ये भी आपका 50 हो जाएगा, है ना, बोथ एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस आपका assertion इज ऑल्सो ट्रू, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना। अब दोनों को कंपेयर करो, जो उसने रीजन दिया है वही उसने हमने assertion में लगाया, that means what, assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो वो option आपका कहां पर है देखो, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, that means option A is your correct option, ठीक है।